teacher Bhumika Shah welcomes you all back to another session of your English online classes. So my dear students, I hope you all are doing good at your houses right now. Yes, celebrating the festivals also, Raksha Bandhan aaye, Eid aaye, and I hope aap logon ne acche se enjoy kiya hoga, but you also followed the lockdown rules and regulations, right students? So now it's study time. We will again begin our studies. And yes, now we will begin our English class. And in today's class, we are going to deal with a new chapter. And the new chapter is translation of words in Hindi. Translation of words in Hindi. अब बताइए translation क्या होता है? What is translation? पहले तो हमें वो समझना पड़ेगा. तो जब हम कोई भी एक word को दूसरे लैंग्वेज में लिखते हैं या दूसरे लैंग्वेज में आप कन्वर्ट करते हो, चाहे वो इंग्लिश वर्ड को आप हिंदी में कन्वर्ट करो या हिंदी को इंग्लिश में, या इंग्लिश टू चाइनीज या चाइनीज टू इंग्लिश, वॉट एवर. वेन यू चेंज अ पर्टिकुलर वर्ड फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज एंड द मीनिंग रिमेन्स सेम, जब मीनिंग सेम है पर आप उस वर्ड को एक लैंग्वेज से बदल के दूसरे लैंग्वेज में लिख रहे हो पर विद द सेम मीनिंग, इट इज नोन एज ट्रांसलेशन. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? जब हम एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में किसी बात को बोलते हैं या लिखते हैं और उसका मीनिंग सेम होता है तब हम उसे क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन. देन इट इज नोन एज ट्रांसलेशन. सो समझ में आया आपको ट्रांसलेशन क्या होता है? तो हम उसी के बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे. वी विल स्टडी अबाउट ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स इन हिंदी. सो वट एवर वर्ड्स वी आर गोइंग टू सी टूडे, दोज वर्ड्स आर गोइंग टू बी इन इंग्लिश एंड वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट दोज वर्ड्स इन हिंदी. एंड वट विल हैपन, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो, ताकि आप इंग्लिश को और अच्छे से समझ पाए. बिकॉज वाई स्टूडेंट्स, इन आर डेली लैंग्वेज, इन आर डेली डे टू डे लाइफ वी स्पीक इन हिंदी. आप घर पे भी हिंदी में बात करते हो. ओके, सो जब आपको एक नया लैंग्वेज सीखना है, व्हेन यू हैव टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इन इंग्लिश विथ रेफरेंस टू सम लैंग्वेज यू आर गोइंग टू स्टडी, है ना, कुछ एक दूसरे लैंग्वेज से आप लेके समझते हो उस चीज को. सो दैट्स व्हाई वी आर डीलिंग विद दिस चैप्टर, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड द इंग्लिश मोर better way. Okay, so without wasting the time, wear your headphones, take out your textbook and get ready for today's class. So my dear students, as I said, the new chapter is translation of words in Hindi, right? So in today's class, we are going to deal with the first 10 words and let me tell you about those 10 words. They are what, how, which, when, where, why, whose, whom, this and that. Okay, so these are the 10 words. So let's begin with the first one. The first word is what. What, and in Hindi we say it as kya. What, kya, what. For example, what do you want? What do you want? Kya chahiye tumhe, right? What do you want? So Hindi mein translate karenge, so what we'll say, क्या चाहिए तुम्हें? What are you doing? क्या कर रहे हो तुम? What are you doing? Translate in Hindi, then it will be like क्या कर रहे हो तुम? Understand? What को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? किया. What? किया. Okay? Now, let's see the second word. The second word is how. How? How is it possible? ये कैसे हो सकता है, राइट? हाउ आर यू, तुम कैसे हो. ओके, हाउ आर यू, तुम कैसे हो. सो हाउ, कैसे. ओके, हाउ, जब हिंदी में जब कहते हैं कि कैसे हो, कैसे जाओगे, कैसे जाओगे, तो कैसे के लिए हम क्या यूज करेंगे? हाउ. हाउ विल यू गो. ओके, सो हाउ व्हेन ट्रांसलेटेड इन हिंदी इट इज सेड कैसे. How, कैसे. Okay. Now the third word. Third word is which. Which, W-H-I-C-H, which. Translated in Hindi, it is said as कौन सा. For example, it is said, which box do you want? Which box do you want? And in Hindi we will say, कौन सा box तुम्हें चाहिए? और तुम्हें कौन सा box चाहिए? Which box do you want? कौन सा बॉक्स तुम्हें चाहिए, राइट? सो विच, कौन सा, व्हेन यू गिव अ ऑप्शन, विच बॉक्स डू यू वांट, विच चॉकलेट डू यू वांट. ओके, सो कौन सा बॉक्स तुम्हें चाहिए, कौन सा चॉकलेट तुम्हें चाहिए. ओके, क्वेश्चन वर्ड्स है, सारे क्वेश्चन वर्ड्स है. सो विच,
क्या होगा, कौन सा. ओके, फर्स्ट वर्ड वी सॉ व्हाट, क्या. सेकंड हाउ, कैसे. ओके, देन द थर्ड वी सॉ नाउ विच, ट्रांसलेटेड इट सेज कौन सा. ओके, नाउ लेट्स सी द फोर्थ वर्ड, दैट इज व्हेन. व्हेन, W H E N, when. For example, when will you come? When will you come? तुम कब आओगे? When will you come? तुम कब आओगे? When, कब. Okay? When, कब. When translated in Hindi, it is said as कब. When will you come? तुम कब आओगे? Okay? So when को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कब. Okay? Now let's see the fifth word, where. W-H-E-R-E, where, meaning, or when translated in Hindi, it is said as कहाँ. So, example, it is said, where are you going? Where are you going? Okay, so Hindi में तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going? So, तुम कहाँ जा रहे हो? Where, कहाँ. Understood? Where, कहाँ. Okay, so, where are you going? That, उसको हिंदी में हम कह रहे तुम कहाँ जा रहे हो. सो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेयर, व्हेन ट्रांसलेटेड इन हिंदी इट इज सेड एज कहाँ. ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड दैट इज व्हाई. व्हाई, डब्ल्यू एच वाई, व्हाई. सो फॉर एग्जांपल, व्हाई विल यू गो देयर. व्हाई विल यू गो देयर, व्हाई. क्यों जाओगे तुम वहां, क्यों जाओगे. ओके, व्हाई आर यू टॉकिंग. टीचर्स कहते हैं ना, टीचर्स जनरली से लाइक दिस, Why are you talking? So, तुम क्यों बात कर रहे हो? क्यों बात कर रहे हो? क्यों? That word, क्यों? So, why? When translated in Hindi, it is said as क्यों? Why? क्यों? Okay. Now, the next word that is whose? Whose? W H O S E. Whose? So, इसे हम क्या कहते हैं? किसका? For example, whose book is this? Whose book is this? So, what will you say? ये book किसका है? किसका है? ये book किसका है? For example, just you said whose. Whose book is this? Or whose pen is this? That time, उसे हिंदी में अगर हम translate करते हैं, what is we say? ये book किसका है? ये pen किसकी है? किसका या किसकी? Right? ये book किसका है? ये pen किसका है? Whose book is this? Or whose pen is this? Okay, so whose translated in Hindi, it is said as kiska. Whose, kiska. Okay, whose translated in Hindi, it is said as kiska. Okay, now the next word that is whom. Whom, it is written as kisse. From whom you will take the money? Tum kisse paise loge? From whom you will take the money? Whom, किससे पैसे लोगे? From whom, किससे? Understood? When it said whom, W-H-O-M, whom, it is said किससे. Okay? और other meaning is also given, जिससे. Give the money from whom you have taken. पैसा उसे लौटा दो जिससे तुमने लिया है. जब question आ रहा है तो we say किससे लिए. Okay, from whom you have taken the money, right? From whom you have taken the money? So, Hindi में translate करते से कहेंगे, from whom you have taken the money? तुमने किससे पैसे लिए हैं, right? And अगर sentence को change कर रहे हैं कि return the money from whom you have taken, return the money from whom you have taken, Hindi में तुमने जिससे पैसे लिए हैं उसे वापस कर दो. तुमने जिससे पैसे लिए हैं. इन द फर्स्ट एग्जांपल व्हेन इट वाज अ क्वेश्चन, हम इसे क्या कह रहे थे? किससे. एंड व्हेन इट्स एन आंसर और व्हेन इट्स अ जनरल स्टेटमेंट, हम इसे कह रहे हैं जिससे. ओके, किससे, जिससे. हुम, टू ट्रांसलेशन आर देयर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, किससे, जिससे. ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड दैट इज दिस. This, और से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे यह. This is a book. This is a book. और this is a coat. This is a coat. और हिंदी में क्या कहेंगे? यह एक कोट है. यह एक
कोट है, दिस इज अ कोट, यह एक कोट है. ओके, सो यह एक कोट है, यह, दिस व्हेन ट्रांसलेटेड इन हिंदी इट इज सेड एज यह, दिस, यह. ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड दैट, वह. सो फॉर आई सेड दिस, दिस मीन्स यह. सो इफ आई से दैट इज अ बुक, दैट इज अ बुक, वह एक बुक है. आई विल बी एक्सप्रेसिंग व्हेन समथिंग इज नियर यू, जब कोई चीज आपके पास है तो व्हेन दैट टाइम यू से दिस इज समथिंग और दिस इज द थिंग आई नीड टू डू, दिस, जब आपके पास कोई चीज है. बट व्हेन द थिंग इज फार फ्रॉम यू एंड दैट देन यू विल से दैट इज द बुक, दैट, वह. ओके, यह, वह, जब चीज अपने पास है तो दिस का ट्रांसलेशन होता है यह. एंड व्हेन द थिंग्स आर फार वी से इट इज that and that's translation will be वह. Okay, I hope you understood this translation. Let's revise it. What do you want? क्या चाहिए तुम्हें? So what का हो गया क्या. Okay, then how will you go? तुम कैसे जाओगे? So how का क्या हो गया कैसे. Okay, now the third, which, कौन सा, which one do you want or which box do you want, कौन सा बॉक्स तुम्हें चाहिए, विच, कौन सा. नेक्स्ट when विल यू कम और when विल यू गो, तुम कब जाओगे, कब जाओगे. सो when ट्रांसलेटेड इन हिंदी इट इज सेड एज कब. देन कम्स where आर यू गोइंग, where आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, where, कहाँ. ओके, देन कम्स why डू यू want, तुम्हें क्यों चाहिए, why, क्यों, why translated in Hindi it is said as क्यों. Then comes whose money is this, whose box is this, किसका box है ये किसका box है, whose box is this, यह किसका box है, whose, किसका. Okay, then comes whom, from whom you have taken the money, तुमने यह पैसे किससे लिए, from whom you have taken. Second, return the money from whom you have taken. जिससे पैसे लिए हैं उसे वापस कर दो. So, for whom, there are two translations. किससे, जिससे. Okay. Then comes this is a book. यह एक book है. This का translation होता है यह. And then comes that meanings वहाँ, वह. That is a book. वह एक book है. Okay, students, so with this we completed total 10 words of our today's class. I hope you understood these words. So आपको क्या करना है, आप अपने फेयर रोड बुक में इन सभी 10 words को लिखेंगे. You have to write these 10 words in your notebook, both in English and Hindi, and then in your rough notebook write these 10 words two times and memorize this. आप अपने notebook में two times लिखोगे, textbook में already ये चीज़ें दी हुई है. Okay, so अपने fair notebook में you have to write it one time and then in your rough notebook write it two times, practice it and learn it nicely. Okay, my dear students, so your English teacher will be back again in her next class with some new words and new words to translate together. So till then, my dear students, take care, goodbye.